अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं रिजवान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी द साउंड मास्टर टूअर 200। ये MP3 ट्रॉली है, रिचार्जेबल ट्रॉली है ये, और इसके जो स्पीकर है वो 12 इंच का है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन है इसकी, उसकी बात कर ली जाए तो इसमें रिपीट का ऑप्शन है, डिले का ऑप्शन है। अच्छा, मल्टी फंक्शन लाइट्स, मतलब ये RGB लाइट्स हैं, हर सेकंड के बाद चेंज होती रहेंगी। लाइव रिकॉर्डिंग का इसमें ऑप्शन है, आप लाइव रिकॉर्डिंग इस पर कर सकते हैं। रिचार्जेबल में है, USB लगा सकते हैं आप इसमें। एसेसरीज़ में इसका रिमोट दिया हुआ है, SD कार्ड इस पर लगा सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले लाइट इसमें दी हुई है, और इसमें माइक जो है वो वायरलेस में सिंगल माइक दिया हुआ है। FM रेडियो इस पर चला सकते हैं आप। ओपन करके आपको चेक कराता हूँ, पहले मैं आपको इसका माइक दिखा दूँ जी। तो ये माइक है इसका, सामने ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, बैक साइड पर एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी का पंच दिया हुआ है, PVC अच्छा है इसका, फ्रंट पे मेटल की तार लगी हुई है। और ओपन करके आपको चेक कराता हूँ जी। तो इसमें जो सेल लगेगा वो घड़ी वाला सेल लगेगा, बड़ा सेल लगेगा इसमें। माइक चेक करा दिया, इसके बाद इसकी एसेसरीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। एसेसरीज़ में 5 वोल्ट, और बल्कि एक मिनट में आपको ओपन करके चेक करा दूँ। इसमें 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का अडाप्टर, ये अडाप्टर पे चार्ज होगा। अगर आपका ये अडाप्टर कहीं पर गुम हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिमोट दिया हुआ है, रिमोट में ऑन ऑफ का बटन और मोड, रिपीट, इको, SD कार्ड लगा, मतलब उसका बटन है रिकॉर्डिंग का, बाकी मल्टीपल बटन दिए हुए हैं। जो भी फंक्शंस हैं वो इसमें सारे दिए हुए हैं। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो इसमें उन्होंने मेन्यू कार्ड दिया हुआ है, इसी से आप देखकर समझ सकते हैं। बाकी और एसेसरीज़ की बात की कर ली जाए तो इसमें वारंटी कार्ड दिया हुआ है, वारंटी इसकी 1 साल की होती है, उसमें बर्न एंड डैमेज की वारंटी नहीं होती। और इसमें अगर, इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है अंदर, अगर वो ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो उसकी भी कोई वारंटी नहीं होती। और इसमें ऑक्स केबल दी हुई है, ओपन करके आपको चेक कराता हूँ ये इसकी फ्रंट लुक है। 4 ट्यूटर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो एक्टिव ट्यूटर है वो सिंगल है, बाकी की शेप्स बनाई हुई हैं लेकिन वो ओरिजिनल ट्यूटर नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन दिए हुए हैं उसके ऊपर। और ये सामने मेटल की उन्होंने जाली लगाई हुई है, एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी का टैग, और अंदर 12 इंच का सिल्वर में स्पीकर है। ऊपर से दिखा दूँ आपको तो ऊपर इसके हैंड कैरी करने के लिए लगा हुआ है, बैक साइड से LED डिस्प्ले दिया हुआ है LED का, और फर्स्ट फर्स्ट पे आप इसमें माइक लगा सकते हैं एक्सटर्नल। इसमें एक बिल्ट इन माइक दिया हुआ है, हैंड माइक वायरलेस में, एक माइक आप और लगा सकते हैं वायर में। और ये ऑन किया मैंने इसको, वॉल्यूम एंड ऑन ऑफ का बटन एक ही है इसका। उससे नीचे आ जाएं तो चार्ज लिखा हुआ है, DC 5 वोल्ट पे ये चार्ज होगा, मैंने उसका अडाप्टर दिखाकर आपको बता दिया है। जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये चार्ज के पास में लाइट लगी हुई है जो ऑन हो जाएगी। मैं बल्कि आपको चार्ज करके दिखा भी देता हूँ। देखें, ये रेड कलर की लाइट जल गई है, इसका मतलब ये है कि ये अब चार्ज हो रहा है। जब इस पे ग्रीन या ब्लू कलर की लाइट जले तो इसका मतलब ये है कि ये
फुल चार्ज हो चुका है। अब इससे नीचे आ जाएं, इसके नीचे आकर देखें तो यहाँ पर दो डॉट्स लगे हुए हैं, दो डॉट्स ये चार्जिंग शो करा रहे हैं। अगर यहाँ पर चार डॉट्स होंगे तो इसका मतलब ये 100% चार्ज है, अगर तीन हो जाते हैं तो ये 70% है, 75% है, अगर दो हो जाते हैं मींस के ये 50% है, एक अगर डॉट होगा तो 25% है, अगर एक भी डॉट नहीं होगा तो इसका मतलब है इसकी बैटरी लो है। इसके नीचे ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद रिपीट और डिले का ऑप्शन, यहाँ पर रिपीट और डिले का बटन दिया हुआ है जी। तो इसके बाद स्कैन का बटन दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी उसी में होगी और उसके नीचे, अच्छा इसके साथ में बैक फॉरवर्ड का बटन भी है, दरमियान में पुश का बटन है और मूड का बटन साथ में दिया हुआ है, नीचे उसके ऑक्स का बटन है, ऑक्स का ऑप्शन है, ऑक्स पे आप इसको लगाकर, ऑक्स पे आप इसको एलईडी के साथ भी लगा सकते हैं, मोबाइल के साथ ऑक्स पे भी चला सकते हैं, टीवी पे भी चला सकते हैं, कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें जिस पे ऑक्स का ऑप्शन हो उस पे आप ये लगा सकते हैं, साथ में एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं, यूएसबी का ऑप्शन भी है इसमें। अच्छा ये जो वॉल्यूम का कंट्रोलर दिया हुआ है ये इको के वॉल्यूम का कंट्रोलर है, ये इको लिखा हुआ भी आ गया है, ये इको का वो वॉल्यूम कंट्रोल हो भी रहा है। इसके साथ में माइक का जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो इसके नीचे माइक का वॉल्यूम कंट्रोलर है, इसके साथ में जो ऑन ऑफ का बटन ये दिया हुआ है, ये एलईडी स्विच है, मतलब फ्रंट पे जो इसकी एलईडी लगी हुई है ये उसको ऑन ऑफ करता है। इसको बंद करो ज़रा, ये इसको बंद कर दिया, इसको ये ऑन हो गया इसका। और इसके अलावा ये एफएम की तार भी दी हुई है, अभी मैं आपको ये पहले ऑक्स पे चेक कराता हूँ लगाकर और उसके बाद मैं आपको ये ब्लूटूथ पे चेक कराता हूँ और एंड में आपको मैं ये माइक पे भी चेक करा दूँगा। हाँ जी, तो मैंने ऑक्स केबल पीसी पे लगा दी है, अभी मैं पीसी पे चलाता हूँ आपको चलाकर दिखाता हूँ ऑक्स पे। उससे पहले मैं इसको लाइन पे लेकर आऊँगा, मूड पे लाइन पे आ गया। जी तो ये था ऑक्स पे मैंने चेक कराया, अब आपको मैं ब्लूटूथ पे चेक करा देता हूँ। अब मैं इसको ब्लूटूथ पे करने लगा हूँ, यहाँ पर मोड पे मैं क्लिक करूँगा, ये एफएम पे आ गया पहले, अब ये ब्लूटूथ पे आ गया, ये पेयर कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये अब मैंने आपको, अब मैं इसका माइक आपको चेक कराता हूँ, माइक में सेल लगाऊंगा मैं बड़े घड़ी वाले। ऑन कर दिया मैंने इसको। जी तो ये इसका माइक था, मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी दिखा दी हैं, सारी चीज़ें बता भी दी हैं,
इसका बैटरी बैकअप मुझे याद नहीं है, मैंने को बताया नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इसका बैटरी बैकअप जो है 3 से 4 घंटे है। और इसको आप आउटडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंडोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए 200 200, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।